नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है ब्लड रिलेशन। यह टॉपिक काफ़ी इंपोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, और चाहे तुसी बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीपीएससी प्रिंसीपल का एग्जाम दे रहे हो, या पीपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिस दे विच रीजनिंग आनी है, चाहे तुसी सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, उस दे विच इस टॉपिक की काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप, या आप कहेंगे ब्लड रिलेशन। देखो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का मतलब की होया, ब्लड रिलेशन का मतलब की होया, खून के रिश्ते, जिन्हें भी आप कह दिए जिन्हें भी अपन रिश्तेदारियां ने, जिन्हें भी अपन रिश्तेदारियां ने, सिर्फ खून के रिश्ते नहीं लैके चलने। देखो सिर्फ खून के रिश्ते नहीं लैके चलने, ताही आप इस टॉपिक रिलेशनशिप के नाम न जानते हैं। सिर्फ खून के रिश्ते नहीं लैके चलेंगे, जिमें अपना सस सोहरा हो गया वो अपना खून का रिश्ता नहीं होंगे, हसबेंड या वाइफ होगी अपना खून का रिश्ता नहीं होंगे, बट रिश्ता है तो जिन्हें भी अपने रिश्ते ने वो सारे कवर करांगे। तो इस टॉपिक नूं ध्यान नाल समझना, यह टॉपिक मैं दो वीडियो कवर करूँगा। इस टॉपिक दे अपने कोले चार टाइप्स ने, अज मैं सारा बेसिक समझाऊंगा तो पहली टाइप कवर करूँगा, तो उस तो बाद मैं पहली टाइप की तुम्हें पीडीएफ सेंड करूँगा, जिहड़ी टाइप वो पीडीएफ करन तो बाद ही नैक्सट टाइप से चलांगे। अगलिया तीन टाइप मैं नैक्सट वीडियो दे विच कवर करूँगा। साडा ग्रुप बनया होया, वट्सएप ग्रुप बनया होया, जिन्हों ज्वाइन करियो ता जो तुम्हें पीडीएफ मिल सकन, या जे तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तुम इन्होंने दोनों चो किसी भी नंबर से सानू मैसेज कर सकते हो। क्लीयर? तो इस टॉपिक नू स्टार्ट करते हैं। देखो हुण अपने कोले ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन शुरू करन तो पहला मैं तुम्हें पांच वर्ड के मीनिंग समझाऊंगा, क्योंकि यह वर्ड ने जेड़े अपनी ब्लड रिलेशन की पजल आ गई उस दे विच काफ़ी इंपोर्टेंस देंगे ने। ब्लड रिलेशन की कोई पजल आ गई या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के विच कन्फ्यूज करने वाले होंगे ने, तो सब तो पहला वर्ड है सिबलिंग्स। देखो सिबलिंग सारे ने सुनिया होगा, सिबलिंग्स का मतलब क्या होंगे, सिबलिंग का मतलब होंगे भैन भरा, भैन या भरा, ब्रदर या सिस्टर। सिबलिंग का मतलब होंगे भरा या भैन, ब्रदर या सिस्टर मतलब अपना सखा भाई भैन। देखो कजन नहीं लेके चलने, अपना जो सखा भाई भैन होगा उन्होंने आप कहेंगे सिबलिंग। अपना भरा भी हो सकता, अपनी भैन भी हो सकती है। तो जे आप कह दिए आप दो सिबलिंग आ, तो यह तो ए नहीं क्लीयर होंगे भी एक मुंडा एक कुड़ी होगा, दोनों कुड़िया भी हो सकती ने, दोनों मुंडे भी हो सकते हैं, मुंडा कुड़ी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सिबलिंग का मतलब भैन भरा हो गया, मतलब अपना भरा या अपना भैन। सैकेंड वर्ड है स्पाउस। देखो स्पाउस का मतलब की होंगे, हसबेंड या वाइफ। स्पाउस का मतलब की होंगे, हसबेंड या वाइफ, स्पाउस। हुण देखो जिवें मेरे लिए मेरी स्पाउस कौन होगी, मेरी वाइफ, ठीक है। जे कोई कुड़ी आदे लिए उहदा स्पाउस कौन होगा, उहदा हसबेंड। तो स्पाउस का मतलब हो गया हसबेंड या वाइफ। नैक्सट आ गया वेडलोक। वेडलोक जिवें आपां वर्ड टर्म सुनी होनी वैडिंग, वैड, वैड तो बनदी है वैडिंग। वैडिंग मतलब, वेडलोक का मतलब हो गया एक कपल। वेडलोक का मतलब की हो गया एक कपल। ये वर्ड्स काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं जो अपनी एक पजल च आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन च आ जाते हैं। नैक्सट हो गया ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब की हो गया, यह वर्ड काफ़ी घट बच्चों को पता होंगे। ऑफ स्प्रिंग का मतलब हो गया जवाक, औलाद, सन या डॉटर। औलाद कह दी आप, अपना कोई जवाक है चाहे वह मुंडे चाहे कुड़ी है, उन्होंने आप कहेंगे ये अपना की है ऑफ स्प्रिंग है। लास्ट वर्ड है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब हो गया खानदान, डिसेंडेंट का मतलब हो गया खानदान, अपना खानदान, जिमें अपना दादे परदादे वाला कह रहे हैं भी उन्होंने खानदान चो है, तो वह हो गया अपना डिसेंडेंट। भी एक खानदान च ब्याह नहीं करा सकता, जे आप कह दिए किसी ब्लड रिलेशन की पजल च आ गया भी एक इस खानदान च ब्याह नहीं करा सकता, तो वे ताए चाचे मतलब वो सारा आप खानदान लेके चलेंगे। तो ये पांच वर्ड्स ने, होप्स हो तुम्हें समझ आए होंगे। हुण देखो दोस्तों ब्लड रिलेशन है, अपना जो रिलेशन है वह जां तां मुंडे नाल होगा या कुड़ी नाल होगा, अपना रिलेशन दो जणे नाल होगा, जां तां मुंडे नाल या कुड़ी नाल। तो पूरे चैप्टर के विच जिथे भी मुंडा होगा, जिथे भी मेल आऊगा, उन्होंने मैं पॉजिटिव साइन देकर चलूंगा। पूरे पूरे चैप्टर के विच जिथे भी मुंडा आऊगा उन्होंने मैं पॉजिटिव साइन देकर चलूंगा, तो जिथे भी कुड़ी आऊगी, फीमेल आऊगी, उन्होंने नैगेटिव साइन देकर चलूंगा। देखो पॉजिटिव नैगेटिव का कोई इदा मतलब नहीं भी वह पॉजिटिव हूँ नैगेटिव हूँ, मैं सिर्फ समझने लिए लैके चल रहा, कुछ भी साइन लै सकते हैं, बट ये साइन ना तो ईजीली समझ आऊगा। मेल जिथे भी मैं लैके चलूंगा, मैं पूरे चैप्टर के जिथे मैंने मेल शो करना होगा मैं पॉजिटिव शो करूंगा, तो जिथे मैंने फीमेल शो करनी होगी उत्थे मैं नैगेटिव शो करूंगा।
क्लियर। इसे तरीके नाल चलियो जिवें जिवें मैं समझाऊंगा थोड़ी कदे गलती नहीं होगी ब्लड रिलेशन दे विच। ते थोड़े सारे कंसेप्ट ब्लड रिलेशन दा क्लियर हो जूगा लास्ट तक, जदों तक वीडियो तुसी लास्ट तक सुनोगे। चलो पहले कंसेप्ट ते चलदे हुण आपां ब्लड रिलेशन। देखो दोस्त एक एक करके मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक एक करके सारे दे सारे रिलेशन क्लियर करता जाऊंगा, चाहे वह भैन भरा दा चाहे हस्बैंड वाइफ दा, अपने नाल आपा किवें लेके चलना, दादा दादी हो गया नाना नानी हो गया, किवें बना के चलना, सारे दे सारे रिलेशन समझ के चलने ने। सब तो पहला मैं रिलेशन है जिहड़ा वह बनाऊंगा ब्रदर या सिस्टर दा। सब तो पहला रिलेशन मैं बनाऊंगा ब्रदर या सिस्टर दा, भैन या भरा दा, वह चाहे भैन होवे या भरा होवे, जिवें अपने कोले किसी भी तरीके दी लाइन आ। A is brother of B. A is brother of B. या फिर इस लाइन में आप ये भी कह सकते हैं A is B's brother. A is B's brother. देखो इस लाइन में ध्यान से समझो, दोनों लाइन का मीनिंग सेम है। A is brother of B. मतलब A भाई लग्या B का, A भाई लग्या B का, या फिर A is B's brother. मतलब A भाई है B का। दोनों लाइना का मीनिंग सेम है, ए भाई है बी का। तो इन बनाना की मैं हूँ देखो समझो, अपना भरा या भैन जनरेशन गैप नहीं होंगे, अपना अपने भाई ना देखिए या अपनी भैन देखिए जनरेशन गैप नहीं होंगे, वो एज गैप होंगे, जनरेशन गैप नहीं होंगे। जनरेशन गैप की होंगी है पीढ़ी का फर्क हो गया, जिमें अपना अपने दादे वाली पीढ़ी नाल हो गया, अपना डैडी वाली पीढ़ी नाल हो गया, उत्थे अपना पीढ़ी का फर्क होंगे, बट अपना भाई भैन कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। तेन बना किमें इसे तरीके बना के चलियो तो सारा कंसैप्ट क्लीयर हो जूगा। जो भी ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन बनाना है इन्हू एक सीधी लाइन के बना लेना। सीधी लाइन का मतलब दोह च कोई गैप नहीं, सीधी लाइन का मतलब दोह च कोई गैप नहीं, कोई जनरेशन गैप नहीं। ए भाई लग्या बी का, ए भाई लग्या तो ए की लगेगा मुंडा लगेगा, ए मुंडा लगेगा तो यह साइन की आ जूगा पॉजिटिव। देखो ए भाई लग्या तो ए की लग्या मुंडा लग्या, मुंडा लग्या तो ए का साइन क्या आऊगा पॉजिटिव। हुण बी का साइन क्या आऊगा, देखो मान लो मैं किसी का भाई हाँ, मैं किसी का भाई हाँ, सामने वाला मेरा भरा भी हो सकता है, मेरी भैन भी हो सकती है, तो सामने वाला मेरा भरा भी हो सकता है, मेरी भैन भी हो सकती है, तो बी का आप कोई साइन नहीं लगाना, अपन सीधा साइन किसका पता है, ए का पता है, भी ए भरा लग्या बी का तो ए का साइन क्या आऊगा पॉजिटिव आऊगा, ए का साइन क्या आऊगा पॉजिटिव। क्लीयर होया इना। हुण ए इज ब्रदर ऑफ बी या ए इज बीज ब्रदर, इस लाइन में दो तरीके ना लिख सकता है, या फिर किवें लिखूगा, मान लो इसे लाइन में लिख दे ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स, मतलब हुण ए ते बी दोनों की ने भैणा ने, ए ते बी दोनों भैणा ने, तो आपां इहनूं डायग्राम च किवें बनावांगे, ए ते बी कोई जनरेशन गैप नहीं, दोनों भैन ने तो दोनों की आनगियां नैगेटिव, दोनों की आनगियां नैगेटिव, उरे आपां दोहां दा जनरेशन दोहां दा आपां पता है भी मेल है या फीमेल है, दोनों भैन ने मतलब दोनों कुड़ियां ने, दोनों कुड़ियां ने तो दोनों का साइन की आ गया नैगेटिव। नैक्सट इस लाइन को किवें लिख सकदा है, एज ब्रदर इज बी, ए लाइन थोड़ी जी कंफ्यूजिंग है, ध्यान नाल समझो, एज ब्रदर इज बी मतलब ए दा जेड़ा भाई है, एज ब्रदर मतलब ए दा जेड़ा भाई है वो कौन है, बी है, इस दा मतलब हुंदा इक्वल टू, इस दा मतलब हुंदा इक्वल टू, ए दा जेड़ा भाई है वो कौन है, बी है, ए दा जेड़ा भाई है वो बी है, मतलब ए दा जेड़ा भाई बी है तो बी दा साइन क्या आऊगा पॉजिटिव। उरे ए दा साइन पॉजिटिव नहीं आना, बी दा पॉजिटिव, क्योंकि ए दा भाई बी है, मतलब बी मेल है, ए बारे कुछ नहीं पता, ए मुंडा भी हो सकता है, ए कुड़ी भी हो सकती है। तब ब्रदर सिस्टर दे रिलेशन एक चार तरीके ना लिख सकता है, बनाना कि मैं सीधी लाइन दे विच कोई जनरेशन गैप नहीं हैगा, ते जिहदा रिलेशन पता लग रहा, जिहदा मेल फीमेल, जिहदा जेंडर पता लग रहा, उते साइन ला देना, दूजे ते कदे नहीं लगाना, जे दूजे ते साइन लगाता थोड़ा आंसर गलत हो जाना। जिहदा जेंडर पता लगूगा, मेल फीमेल पता लगूगा, उसे ते साइन लगाना है, मेनली पॉजिटिव फीमेनली नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले रिलेशन पे। ए सी अपने को पहला रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर था, सेकंड रिलेशन
हस्बैंड एंड वाइफ, सेकंड रिलेशन है हस्बैंड या वाइफ का, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। मान लो अपने को लाइन आ गई ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए हस्बैंड लग गया बी का, ए हस्बैंड लग गया बी का। हुण जे आपां सोच के देखिए हस्बैंड या वाइफ जनरेशन गैप हुंदा है, सोच के देखो हस्बैंड या वाइफ जनरेशन गैप होगा नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन दे होंगे, हस्बैंड वाइफ भी की होंगे इक्वल जनरेशन दे होंगे। तब की करना है इनू एक सीधी लाइन च लिखना है, बस हस्बैंड वाइफ वाले ते एरो लगा देना है। देखो ब्रदर सिस्टर वाले च आपां सीधी लाइन लगा रहे सी, ब्रदर सिस्टर वाले च आपां सीधी लाइन लगा रहे सी, जे ए च भी कल्ली सीधी लाइन लगा दी तां तुहानूं फर्क नहीं पता लगना। तब मैंने फर्क करने लिए की किता हस्बैंड वाइफ वाले चेहरे लगा देने, हस्बैंड वाइफ वाले चेहरे लगा देने। हुन ए हस्बैंड है ता ए की होगा मेल होगा, ए हस्बैंड है ता ए की होगा मेल होगा, तब बी की होगी फीमेल। जे ए हस्बैंड है ता ए की होगा मेल, जे ए हस्बैंड है ता बी की होगी ओदी वाइफ होगी, बी ओदी वाइफ होगी तब बी की होगी फीमेल, तब बी की होगी नेगेटिव। पूरे बी दा जेंडर क्लियर हो गया, पूरे बी नु आपा खाली नहीं छड़ सकदे भी बी मेल भी हो सकदा फीमेल भी, पूरे बी क्लियर हो गया बी की होगी फीमेल। जे ए मेल है तां बी की होगी फीमेल। आपने कोले रिलेशन हो गया सेकंड हस्बैंड एंड वाइफ दा, तां कीता की ब्रदर सिस्टर वाले च कल्ली सीधी लाइन मारनी है, हस्बैंड वाइफ वाले च एरो लगा देना है, ब्रदर सिस्टर वाले सीधी लाइन हस्बैंड वाइफ वाले च एरो। आ सी अपने कोले पहले दो रिलेशन, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है फादर मदर, या आप कह दिए सन या डॉटर, फादर मदर या सन या डॉटर इकट्ठा कवर होगा, फादर मदर सन या डॉटर। हुण देखो सो अपने फादर नाल अपना जनरेशन गैप होगा, अपने फादर नाल ऑब्वियसली अपना जनरेशन गैप होगा, अपने फादर वाली जनरेशन है जिहड़ी वो अपने तो पहला वाली जनरेशन होगी। जे अपने अपना अपने सन नाल देखिए अपने सन वाली जनरेशन अपने तो नीचे वाली होगी, ता अपना अपने फादर ना जनरेशन गैप होगा। जे आप अपने सन नाल देखिए अपने सन नाल भी अगे जनरेशन गैप होगा, ता फादर मदर या आप कह दिए सन डॉटर नाल जनरेशन गैप होंगे, जनरेशन गैप होंगे पीढ़ी का फर्क होंगे, आप देसी भाषा च कहने अपने नाल पीढ़ी का फर्क होंगे। तो पीढ़ी का फर्क देखो किवें बनाना है, जिवें आप कह दे ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी मतलब ए पिता लग गया बी दा, ए डैडी लग गया बी दा। तां हुण जनरेशन गैप किवें शो करना है, जिहड़ी भी फादर वाली जनरेशन होगी उन्हों हमेशा उपर लिखना है, फादर वाली या मदर वाली जनरेशन नूं जिहड़ी अपने तो पहला वाली जनरेशन है उन्हों हमेशा उपर लिखना है, जिहड़ी अपने तो नीचे वाली जनरेशन है उन्हों हमेशा नीचे लिखना है। तां जिहड़ी जिहड़ी जनरेशन पहला वाली है पुरानी है उन्हों हमेशा उपर लिखना है। तां ए फादर है तां किहनूं उपर लिखांगे, आपां ए नूं उपर लिखांगे, ता ए ऊपर आऊगा बी नीचे। एदा मतलब की हो गया जनरेशन गैप शो हो गया, जनरेशन गैप शो हो गया। ए फादर है ता ए दा साइन की आ जाऊगा पॉजिटिव, ए फादर है ता ए दा साइन की आ जाऊगा पॉजिटिव। बी दा साइन, बी दा साइन कंफर्म नहीं, बी ओदा मुंडा भी हो सकदा ओदी कुड़ी भी हो सकदी है, बी ओदा मुंडा भी हो सकदा ओदी कुड़ी भी हो सकदी है। ता ए इज फादर ऑफ बी, ता ए फादर हो गया किस दा बी दा। ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ B ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਲੱਗੂਗਾ A ਦਾ, B ਇਜ ਸਨ ਆਫ A ਔਰ B ਇਜ ਡਾਟਰ ਆਫ A, ਜਾਂ B ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਡਾਟਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ B ਇਜ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਰ ਆਫ A, B ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ A ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ B ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੈਰੋ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਏ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬੀ,
डायग्राम बनाने हैं तुसी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज सन ऑफ डी। जे मैं कहना हाउ डी रिलेटेड टू ए, देखो इदा का कोई क्वेश्चन आ गया। हुण जे आपां इहदी डायग्राम बनानी होवे, ए इज फादर ऑफ बी, ए पिता लग्या बी दा, ए पिता लग्या बी दा, तां ए उपर बी नीचे, क्लियर? होप सो इन्ना क्लियर समझ आया होगा। ए पिता लग्या तां ए उपर बी नीचे, बी सिस्टर ऑफ सी, बी भैन लगी सी दी, बी भैन लगी तां बी नेगेटिव सी हुए, बी भैन लगी किस दी, सी दी, बी सिस्टर लगी सी दी। नेक्स्ट सी इज सन ऑफ डी, सी मुंडा लग्या, सी मुंडा लग्या तां पॉजिटिव आऊगा, सी मुंडा लग्या डी दा तां डी कित्थे आऊगा, नीचे आऊगा कि उपर आऊगा? देखो ध्यान नाल समझो, सी मुंडा लग्या, सी मुंडा लग्या तां डी ओहदा डैडी होऊगा या ओहदी की होऊगी? डी ओहदा, सी मुंडा लग्या डी दा तां डी ओहदा जां डैडी हो जां मम्मी, तां डी की आऊगा? उपर आऊगा, ना कि नीचे, क्योंकि तुहानू दस्सिया मुंडे या कुड़ी वाली जनरेशन नूं नीचे रखना है, मुंडे या कुड़ी नूं नीचे रखना है, तां डी की आऊगा? उपर। हुण देखो अपने कोल आ डायग्राम बन गई, ए दा जवाब बी, बी ते सी भैन भरा, तां ए दा जवाब सी भी हो गया, ऐ डी दा जवाब सी, बी ते सी भैन भरा, तां डी दा जवाब बी भी हो गया, ते दोनों आपस की हो जाएंगे हसबैंड वाइफ, ये दोनों आपस की हो जाएंगे हसबैंड वाइफ, तां डी की आ जाऊगी नैगेटिव, डी की आ जाऊगी नैगेटिव, जे ए पॉजिटिव है तां डी की आ जाऊगी नैगेटिव। देखो समझना की सी, ए फादर है बी दा, बी भैन है सी दी, बी भैन है सी दी, ते सी मुंडा लग्या डी दा, सी मुंडा लग्या डी दा, तां देखो दो भैन भरा ने, दो भैन भरा ने इक्को ही मां बाप दे जवाक होणगे, दो भैन भरा ओहदा मम्मी भी सेम होगी ओहदी डैडी भी सेम होगी, तां इहनां दा आ डैडी है तां इहनां दी आ की होगी? मम्मी होगी, इहनां दी आ डैडी है इहनां दी आ मम्मी होगी, दोनों हसबैंड वाइफ हो गए, तां हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी की लगी ए दी? देखो क्वेश्चन ध्यान नाल समझो, उन्हें पूछा गया कि हाउ डी रिलेटेड टू ए, इहदा मतलब की है, डी की लगी ए दी, डी की लगी ए दी, डी की लगी ए दी वाइफ, ता आंसर की आऊगा? वाइफ, डी की लगी ए दी, डी रिलेटेड टू ए। कई आने नु की समझदे ने भी ए की लग्या डी दा, वो गलत है, डी रिलेट, डी की रिलेट कर रही है ए नु, ता डी की लगी ए दी, डी को डी की लगी, डी ते ए की हो गए हस्बैंड वाइफ, ता डी की लगी वाइफ, ता इहदा वाइफ आंसर आऊगा, ऑप्शन च हस्बैंड भी पाया होगा ता हस्बैंड ना लगाया ही आंसर गलत हो जाऊगा, अपना आंसर की आ गया वाइफ, क्लियर? एसी पहले तीन रिलेशन, नेक्स्ट चलते हैं अगले रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है दोस्तों अंकल, अंकल नूं ध्यान नाल समझियो, हुण तक आपां जो पढ़िया ठीक है, कई चीजां च आपां गलती कीती आ अंकल दे विच, देखो जो आपां अंकल समझदे आ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਫਾਦਰਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਮਦਰਸ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਚਾਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਮਾ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਮਾ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸੜ ਫੁੱਫੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੋ ਐਗਜੈਕਟ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਮਾ, ਮਾਸੜ ਫੁੱਫੜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਟਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਟਰਨਲ,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਟਰਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਟਰਨਲ। ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਏ ਇਜ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ, ਏ ਇਜ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ, ਏ ਇਜ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ, ਏ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਚਾ ਆ ਮਮਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੈਟਰਨਲ ਯੂਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਟਰਨਲ ਯੂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨਲ ਯੂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨਲ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਇਜ ਚਾਚਾ ਆਫ ਬੀ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗਾ, ਏ ਇਜ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ, ਏ ਇਜ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ, ਏ ਇਜ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਆਫ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਬੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੀ ਬੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਂਗਾ? ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਂਗਾ? ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਕਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਂਟ। ਹੁਣ ਆਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੇ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ। ਤਾਂ ਆਂਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਮਾਮੀ, ਹੈ ਨਾ? ਆਂਟ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਮਾਮੀ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਆਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਆਂਟ ਕੌਣ ਹੋਗੀ? ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੋਗੀ? ਭੂਆ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੂਆ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਸੀ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਸੀ। ਉਹੀ ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਤਾਂ ਆਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਏ ਇਜ ਆਂਟ ਆਫ ਬੀ, ਏ ਇਜ ਆਂਟ ਆਫ ਬੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਟਰਨਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨਲ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਪੈਟਰਨਲ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਪੈਟਰਨਲ। ਤਾਂ ਪੈਟਰਨਲ ਭੂਆ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੌਣ ਹੋਈ? ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ, ਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟ ਕੌਣ ਹੋਊਗੀ?
अपने डैडी दी भैन, डैडी उपर नू ब्रदर सिस्टर नाम नाल। हुण नेक्स्ट जे मैटरनल आंट कह दिंदा इज मैटरनल आंट ऑफ बी, मैटरनल आंट मतलब मासी, अपनी मासी कौन लगी, अपने मम्मी दी भैन, मम्मी दी भैन, तां बी दी मम्मी दी भैन, बी दी मम्मी दी भैन, बी दी मम्मी दी भैन, तां आंट कौन होगी, भूआ कौन होगी, डैडी दी भैन, मैटरनल आंट कौन होगी, मम्मी दी भैन। क्लियर, ध्यान नाल समझना इन्हां रिलेशन नूं, इन्हां रिलेशन नूं समझ ले तुहाडे क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाणगे, ते कदे गलती नहीं करोगे ब्लड रिलेशन दे विच। मिनिमम दो तो तीन नंबर दवाऊंगा तुहानू हर पेपर दे विच, हर गवर्नमेंट जॉब दे विच। प्रिंसीपल दा एग्जाम आ रहा अगे या पटवारी दा आना, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान नाल समझ के चलियो, क्योंकि जे ब्लड रिलेशन दी पजल आ गई पीपीएससी दे विच पांच क्वेश्चन दी आऊगी, ओ पांच क्वेश्चन मतलब तुहाडे ढाई नंबर दा ही क्वेश्चन है, समझ के चलो। क्लियर होया इन्ना, हुण नेक्स्ट ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਊਗਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੰਕਲ, ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅੰਕਲ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਅੰਕਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕਲਸ ਵਾਈਫ। चाचे चाची कौन होगी, चाचे दी घर वाली, चाचे दी घर वाली, तां वाइफ ऑफ अंकल या अंकल्स वाइफ। मामी नूं की कहांगे, मामे दी घर वाली, मामे दी घर वाली मतलब वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल। मामा कौन सी, अपना मैटरनल अंकल सी, मैटरनल अंकल सी। मामी कौन होगी, मामे दी घर वाली, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल। एदां ही फुफड़, जिन्हों आप फुफड़ जी कहने, फुफड़ कौन हो गया, फुफड़ कौन हो गया, भूआ का घर वाला, भूआ का घर वाला, तो हसबेंड ऑफ आंट। भूआ कौन सी, अपनी आंट, तो हसबेंड ऑफ आंट। इदा ही मासर, मासर कौन हो गया, हसबेंड ऑफ मैटरनल आंट, हसबेंड ऑफ मैटरनल आंट, मासी का घर वाला, हसबेंड ऑफ मैटरनल आंट। ए सी अपने कोले चाची मामी फुफड़ ते मासर। क्लियर, तो हम ध्यान ना सोचो, अंकल ते आंट, अंकल ते आंट, देखो अपा किवें बोलते हैं, अंकल ते आंट अपा किवें लेके चल रहे, जिवें अपने कोले घरे कोई गेस्ट आया ना, अपा नहीं जानते, अपा कहिंदे अंकल आंटी आए ने, है ना, वो हुंदे आपस हसबेंड वाइफ ने, पर ध्यान ना समझ के देखो, अंकल अपना होया चाचा, आंट अपनी हुई भूआ, अंकल अपना होया चाचा, आंट अपनी हुई भूआ। हुण चाचा ते भूआ आपस की होंदे ने, चाचा ते भूआ आपस की होए, भरा भैन, चाचा ते भूआ आपस की लगे, भरा भैन, मतलब अंकल ते आंट दोनों आपस की होंदे ने, भरा भैन होंदे ने। दोस्तों अंकल आंट दा मतलब होंदा आपस भरा भैन हो गए, अंकल आंट दा मतलब की हो गया, भरा भैन। क्लियर, लास्ट दसदा कंसैप्ट दस रहे हैं, क्योंकि नहीं वीडियो काफी लंबी जा रही है, नेक्स्ट वीडियो दे विच मैं बाकी दे जेड रिलेशन बच के वो खत्म करूंगा, ते पहली टाइप कवर करूंगा। हुन लास्ट दे विच नेफ्यू की हुंदा है, नीस की हुंदा है, नेफ्यू हो गया भतीजा या भांजा, नीस की होगी भतीजी या भांजी। देखो नेफ्यू नीस दे विच पहली गल कोई मैटरनल नहीं यूज होना, कोई पैटरनल नहीं यूज होना, नेफ्यू का मतलब नेफ्यू ही रहूगा, चाहे भतीजा होवे चाहे भांजा होवे। नीस का मतलब नीस ही रहूगा, कोई मैटरनल नहीं कोई पैटरनल नहीं, सिंपल नेफ्यू भतीजा भांजा दोनों चो कोई भी हो सकता, नीस मतलब भतीजी भांजी हो सकती है। हुण भतीजा भांजा कौन हुंदा, देखो जिवें आपां चाचा पढ़िया, अपने चाचे लिए आपां की लगे, जिवें आपां अपने चाचे लिए आपां की लगे भतीजा, भतीजा मतलब नेफ्यू। अपने मामे लिए आपां की लगे भांजा, अपने मामे लिए आपां की लगे भांजा या भांजी, चाचे लिए आपां की लगे भतीजा या भतीजी, नेफ्यू या नीस, मामे लिए की लगे भांजा या भांजी, नेफ्यू या नीस। ऐं भूआ ली, भूआ ली की लगे भतीजा भांजा,
ਭਤੀਜਾ ਸੋਰੀ ਭੂਆ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜੀ ਐਂ ਮਾਸੀ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭਾਂਜਾ ਐਂਡ ਭਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ